पुरानी रंजिश में रिश्ते किस कदर कुर्बान हो जाते हैं जिसका कोई पता नहीं चलता है। ताजा मामला बीती देर शाम थाना कोतवाली क्षेत्र के शमशान घाट रोड पर देखने को मिला, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक भतीजे ने ही अपनी सगी बुआ पर चाकुओं से हमला कर उसे मरणासन्न हालत में कर दिया। घटना थाना कोतवाली क्षेत्र के पीपरा घाट रोड की है। यहां पुरानी रंजिश को लेकर रवि कुमार नाम के युवक ने अपनी ही सगी बुआ नेहा निवासी मोहल्ला रमैया हार पर अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। यही नहीं, चाकू से हमला करने के बाद रवि व उसके दोनों साथियों ने जान बचाकर भाग रही बुआ नेहा का पीछा भी किया। किसी तरह नेहा भीड़भाड़ वाले स्थान पर पहुंचकर उसने अपनी जान बचाई। घटना को अंजाम देने के बाद रवि अपने अन्य साथियों के साथ फरार हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल नेहा को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि कुछ समय पूर्व खेत में पड़े कूड़े को लेकर एक ही परिवार के रामविलास और विपिन नरेश चंद्र बा उनके पुत्र दुर्गेश और आकाश में खूनी संघर्ष हो गया था, जिसमें दो पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें रामविलास की सैफई में उपचार के दौरान मौत हो गई थी, जिसमें विपिन और नरेश चंद्र बा उनके पुत्र दुर्गेश और आकाश रामविलास की हत्या के आरोप में जेल गए थे। अपने पिता रामविलास की मौत का बदला लेने के लिए ही आरोपी रवि ने जेल में बंद विपिन कुमार की पुत्री नेहा पर चाकू से जानलेवा हमला किया है। रवि ने जान से मरने की धमकी दी। नहीं, क्या वजह क्या थी? वजह क्या थी? कुछ नहीं, ऐसी रंजिश की वजह थी। पापा मेरे जेल में है। क्या रंजिश क्या थी? धमकी देता है कि काना मेरा मर गया तो मैं भी खून का बदला खून लेंगे, काना मेरे भैया भी जेल में, पापा भी जेल में, रास्ता घेरता था। और ऐसी आज उसने पकड़, मैं जा रही थी मौसी घर से, उसने घेर लिया और मारने की धमकी दी। जब मैं छुड़ा के भागी तो उसने चाकू मार दिया। अमन इंटरनेशनल स्कूल, हमारा पता है नियर श्री धीरेंद्र कोल्ड स्टोरेज, भामत रोड, मैनपुरी। प्रवेश प्रारंभ। हमारे स्कूल में साइंस एंड कॉमर्स दोनों की ही सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ स्विमिंग पूल, स्केटिंग, बैडमिंटन, स्मार्ट क्लास हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर के टीचरों की व्यवस्था है। छात्रों को लाने और ले जाने बस की व्यवस्था, एक्स्ट्रा क्लासेज की व्यवस्था, कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेज की व्यवस्था। अमन इंटरनेशनल स्कूल, हमारा पता है नियर श्री धीरेंद्र कोल्ड स्टोरेज, भामत रोड, मैनपुरी। रजनीश कॉन्वेंट स्कूल नियर दीवानी रोड, भोजपुरा, मैनपुरी। विद्यालय की विशेषताएं हैं अनुभवी एवं समर्पित शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षण कार्य, शांतिपूर्ण, प्रदूषण रहित, सुरक्षित एवं शिक्षा उपयोगी वातावरण, बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था, बच्चों के आवागमन हेतु परिवहन सुविधा, खेलकूद एवं योग शिक्षा की व्यवस्था, कंप्यूटरीकृत अत्याधुनिक शिक्षा पद्धति, लाइब्रेरी की व्यवस्था, विकलांग, निराश्रित एवं मेधावी छात्रों को समुचित सहायता। रजनीश कॉन्वेंट स्कूल नियर दीवानी रोड, भोजपुरा, मैनपुरी। आदर्श राष्ट्रीय आवासीय इंटर कॉलेज अशोक नगर, कुरावली रोड, मैनपुरी। 2008 से लेकर 2019 तक बोर्ड परीक्षाओं में जनपद की टॉप 10 सूची में स्थान पाने वाला एकमात्र स्कूल। इंटरमीडिएट 2017-2018 के स्कूल टॉपर, हाई स्कूल 2017-2018 के स्कूल टॉपर। हमारे प्रबंधक हैं श्री अशोक कुमार, प्रधानाचार्य डॉक्टर किरण सौजिया। आदर्श राष्ट्रीय आवासीय विद्यालय मैनपुरी वर्ष 2018-2019 में विभिन्न सैनिक स्कूलों में उत्तीर्ण छात्र। हमारा मोबाइल नंबर है 9720780000, 9458409728।